हनीन सेज स्पहीन और आज मैं हम दोनों बहनें एक चैलेंज करने वाले हैं. चैलेंज ये है कि मैं फहीन से अपने बारे में कुछ फैक्ट्स पूछूंगी और फहीन अपने बारे में मुझसे कुछ फैक्ट्स पूछेगी और अगर कोई भी गलत आंसर देगा तो उसके मुंह पे पड़ेगा पाउडर. उसके मुंह पे हमें ऐसे जोर की इस तरह से पूरा चमाक करके पाउडर लगाना है. ओके तो तैयार हो जाओ बेटा, तुझे बहुत पढ़ने वाला है. आपको भी बहुत पढ़ने वाला है. तो हम शुरू करते हैं अपना चैलेंज छोटे से. हाँ चल शुरू कर. मैं अच्छी आंटी हूँ तेरी खैर है. चल अब शुरू कर. अच्छा ओवर ना हो जा. अच्छा बारे में गंदी बात बताओ. कोई एक गंदी बात हो तो बताओ. बहुत सारी गंदी बातें हैं. मुझे फरहीन की बस एक बात बहुत गंदी लगती है, वरना इसकी लाइफ में काफी कुछ अच्छा है, लेकिन इसकी बस एक बात मुझे बहुत गंदी लगती है. फरहीन अपना सारा काम पाउडर क्यों निकाल रही है. फरहीन ना अपना ना सारा काम खत्म करने के बाद ही दूसरे की बात सुनेगी. यानी अगर फरहीन मोबाइल यूज कर रही है तो फरहीन कहेगी नहीं पहले मैं पूरा क्या बकवास है इसको बंद करोगी. फरहीन कहेगी पहले मैं पूरा काम करूंगी और उसके बाद में उठ के दूसरे बंदे का काम करूंगी. और अम्मा को भी इस बात से जिज होता है, सबको इस बात से जिज होता है. ये बात फैक्ट है, मानती कि नहीं. सही बात है ये, झूठ ना बोली. ये सच है ना? नहीं है. लेकिन मैं काम छोड़ के अक्सर इसकी खाते रहती हूँ. झूठ बोलती मेरी बात. नहीं ये बात सच. थोड़ा ये बात झूठ नहीं. थोड़ा सच नहीं सच है ये गलत. पर ये बता इस थोड़े सच थोड़ा सच है. वैसे बात बिल्कुल सच है. तो फिर क्यों लगाया पाउडर अब मैं तुझे लगाऊं? तूने झूठ बोला तेरे मुंह पे भी लगेगा. हटाना नहीं है, ये भी चैलेंज है. हटाना नहीं है. मेरे बारे में नहीं था ना अभी. मैं नहीं. अच्छा अब आप मेरे बारे में. तूने झूठ बोला है. झूठ बोल झूठा पाउडर लगाया मैं हटा रही हूँ उसको. तूने झूठ बोला क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो उल्टा मुंह पे पड़ेगा. ये ही है मेरा दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड वो था. क्योंकि मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हैं. इसका एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है. दानियाल भाई बेस्ट फ्रेंड है. अद्दी बेस्ट फ्रेंड है. मोमना इसकी बेस्ट फ्रेंड है. और सारी दुनिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है. नहीं नहीं शीरी इसकी इतनी खास बेस्ट फ्रेंड नहीं है. है बहुत अच्छी नहीं है. शीरी क्योंकि शादी हो गई. नहीं शीरी के बच्चे हो गए. यानी कि आप वो शीरी के अनोखे बच्चे हुए. हाँ असल वो गायब हो गया. वरना इसकी और उसकी भी बहुत अच्छी दोस्त. सही बोला है. मैंने सांसद को सिर्फ पूछ लिया था. सोचा नहीं था मैंने इस बारे में. लेकिन एक बता सबसे बेस्ट वाला बता. ये क्या बात है? अब इसका बेस्ट फ्रेंड दानियाल भाई है. बिकॉज़ ये उसको इतना बुरा भला बोल के उस बेचारे की तो कुत्ते वाली करती है और वो बेचारा सुन लेता है. अच्छा वो भी मेरा करता है वो स्पीकर के उस पार बोल रहा होता है. बेचारा बहुत मासूम है. मासूम है झूठ तेरे मुंह पे मारूं. मासूम है वो. दानियाल भाई बहुत मासूम इंसान है और ये उसको इतनी गालियां देती है उस बेचारे को. सो रहा तो गालियों का लायक है. ये बकवास. मुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? ये मैं बताऊँ इसको देसी फूड अच्छा लगता है. एक चिंता देसी फूड अच्छा लगता है. एक चिंता ये ना मैं बताती हूँ. ये ना एक ही चीज लगातार नहीं खा सकती. कॉन्टिन्यूसली नहीं खा सकती. और इसे खाने में चिकन पसंद है. ये माने या ना माने इसको चिकन बहुत पसंद है. पर तुम्हें कोई एक चीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं है. लेकिन इसे फ्राइड राइस और मंचूरियन बहुत पसंद है. ऑफ में चला जाएगा. सही बोला तूने एकदम क्यों नहीं ये देखेंगे बदतमीजी की. नहीं मैंने सही बोला क्योंकि आज ये खाने के मामले में बहुत चूजी है. तो भाई मैं एक चीज कंटिन्यूअसली नहीं खा सकती. मैं ना ऐसे खाती मेरा मूड भर जाता है. पास्ता में ज्यादा दिन खाऊं मेरा मूड भर जाता है. फ्रेंड राइस में रोज खाती रहूं. मैं बताऊं मैं ना मैं ऐसे कर सकती हूँ. मैं कंटिन्यूअसली कई दिन तक बहुत सारी चीजें खा सकती हूँ. मतलब क्योंकि मैं मेरे घर में सब नॉन वेज बहुत शौक से खाते हैं. लेकिन मैं नहीं खाती ना नॉन वेज. तो हमारे ये होता है कि तो मेरी जो भी बना के रख देती है ना. बल्कि मुझे तो बचपन से फ्रीज हुआ खाना ही मिलता है.
और हमेशा ठंडा खा लेती लेकिन फरीन ये के घर में वेजिटेरियन पैदा हो गया, हम क्या करें, हमारे घर में गोश्त खाते हैं। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मैं मानती तो हूँ ना कि वो हलाल फूड है, बस मैं खाती नहीं। खबरदार अभी इसके और ये पाउडर डालने वाले थे। मैंने तेरे बारे में बताया, अब तू मेरे बारे में बता। वो तो मैंने पूछा था ना, अब आप मुझसे पूछोगे। मेरा फेवरेट कलर बता। चल ब्लैक। नहीं नो इसका ब्लैक कलर फेवरेट है। मैं चुपेड़ मार ले लेकिन 10-12 हांडियां भी बनवानी हो घर में, जितने मेहमान हो कुत्तों की तरह बरातों को हैंडल करना हो कर लेगी, लेकिन सफाई नहीं कर सकती और बर्तन नहीं धो सकती। सफाई नहीं कर सकती, बर्तन नहीं धो सकती, धो लेती है लेकिन शौक से नहीं धोती। ग्लव्स पहन, मतलब बहुत ज्यादा वो होती है। मेरे हाथों में दर्द होता है, झाड़ू भी नहीं लगती मेरे से। हाँ सही बोला ना, चिट्टे वाला सच बोला तूने। हाँ किया, एग्री किया। अच्छा झूठी घटिया आपकी बात। मेरी फेवरेट प्लेस तो सारी दुनिया को पता है, वो तो मैंने पूछूंगी। मैंने देख ईमानदारी से लगाया हुआ, मैंने उतारे नहीं इसमें। देख मेरी फेवरेट ड्रिंक बता। चल इसकी फेवरेट ड्रिंक मैं बता। मेरी फेवरेट ड्रिंक बताओ। पंच लगेगा तुझे मेरे ड्रिंक। इतनी कॉमन है ना, इसकी फेवरेट ड्रिंक ना वो होती है, क्या होता है, शराब ना कह दियो। नहीं 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 नहीं, उसका मुझे नाम भूल गया असल में। तेरे पास टाइम है, ठीक है ना, पाउडर का डब्बा पकड़ा। वो है टिक टिक, बताती हूँ। नहीं नहीं, वो कौन सी बोतल होती है, वो जो दूसरी वाली आती है, मुझे क्या पता है, ये तो इसकी होती है। नहीं वो एक बोतल होती है, मुझे उसका नाम भूल गया। कौन सी यार, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा ना। वो जो पूरी बोतल मिल जाती है। कौन सी मिलती है पूरी बोतल? जो आप मंगाती हो स्पेशल। वैसे तो कोक भी बहुत शौक से पीती है, लेकिन नहीं, फेवरेट इसकी ड्रिंक वो वाली है। मैं हर जगह होटल में जाके वही ऑर्डर करती हूँ। लेमन नहीं, वो क्या था इसको बोलना नहीं आ रहा मुझे ना, बोलना नहीं आ रहा असल में। लेकिन बोलना नहीं आ रहा तो भी पड़ेगा, पूरी बताना है, चैलेंज यही है। बता, लिख के बता। नहीं नहीं, गूगल कर ले, गूगल कर ले। गूगल गूगल निकाल, गूगल बोतल का नाम। लेकिन बस सिर्फ 2 मिनट रह गए यार। एक होता है पीना कोलाडा और एक और होता है मिंट मार्गरीना। मिंट मार्गरीना, मिंट मार्गरीना, लेमन मार्ट, लेमन मार्ट। मैंने सही नहीं बताया, नहीं पता था मेरे पास, मैंने झूठ बोला इससे। अच्छा चल तू पूछ। जीता कौन? जीता कौन? मैं
मैं तूने गलत बताया, तूने कलर गलत बताया, मैंने सही बताया जी नहीं आप येलो मेरा फेवरेट कलर, काला है ही नहीं, काला तो मेरा फेवरेट कलर कौन सा तेरा, तो इसको बॉटल ग्रीन कलर बहुत पसंद है। नो 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 आई डोंट लाइक इट, चंड मारूं तेरे पेड़ मार, मैंने आज तक बॉटल ग्रीन नहीं सूट खरीदा तो, लेकिन तुझे पसंद तो है ना, मेरा फेवरेट कलर रेड है, दुनिया को पता ये बात, दुनिया को पता थी हारी ना, हारी ना, हारी ना, एक एक दोनों का वर्ड वो हो गया चल लगा, लेकिन यार छिड़कने को किसने कहा था, ये बताऊं क्या बताऊं, एक बात बताऊं, फैमिली ना उल्लू है सबको पता है, एक आंख फोड़ी अब दूसरी भी फोड़ दे, नहीं पहले भी इसी मेरे सर में दर्द आ रहा है, पहले मैं गोली खानी है, देखा इसको दूसरों को कहती थी सेकंड हैंड तेरी है सेकंड हैंड वाली और बिचारी। अच्छा मैं बताती हूं, अब तूने पूछा पूछ, मैंने तो पूछ ली है, हां फेवरेट कलर रेड याद रहेगा पूरी जिंदगी, और मुझे येलो मेरी आंख में पकड़ोड़ा हो गया। क्या कर दी अंडी है। अच्छा मैं बताती हूँ और कुछ, मुझे दुनिया में क्या बनने का शौक है, दीदा इसे रूटर वाली गाड़ी लेने का शौक है, सत्र में स्केल हो जाते रहिए ले। नहीं जी मुझे फैशन डिजाइनर बनने का शौक नानती, हाँ फैशन डिजाइनर, मुझे रूटर वाली गाड़ी लेनी है, लेकिन मुझे फैशन डिजाइनर बनने का बहुत शौक है, एक टांग तेरी मशरिक में एक मगरिब में, कोई बात नहीं रूटर वाली गाड़ी लेके बंदा पार्ट टाइम वो कर ले। अच्छा मेरे बारे में ना दो अच्छी बातें दो गंदी बातें बताएं, अच्छी तो इसे कोई नहीं याद आएगी, गंदी से बहुत याद आएगी, अच्छी बात फैमिली के अंदर ये है के क्या है क्या जल्दी बता, देखो सोचना पड़ेगा, बात नहीं है नहीं बता, अच्छी बात होगी कोई, फैमिली के अंदर अच्छी बात यह है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं जो करती हूँ मुझे मिल जाती है, और अच्छी बात है तो नुकसान की बात है, और फिर ना बुरी बात यह है कि ये कभी कभी इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, ये पड़ जाती है गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन नहीं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कभी कभी इतनी ज्यादा कि वो हो 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 भी आ जा ओए वो पिता ये पड़ जाती है इंसान को, उसको पकड़ ले कुत्ता पड़ जाता ना हराम, उसको पकड़ आज मैं मिट्टी ये बटाएगी छक्को, ओए क्यों नहीं दे, अब ये छक्को बटाएगी। अच्छा और एक इसके अंदर बुरी बात ये है कि फहमीन पहले बड़बड़ 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 सब बोल देती है, बाद में फिर बैठ के सोचती है यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ गुस्सा मुझे बहुत आता है, गुस्से की मैं बहुत तेज हूँ, और गुस्से में मुझे मुझे जब तक मेरा गुस्सा कहीं पर निकल नहीं जाता मुझे मेरे दिमाग में घूमता रहता है, और गुस्से के वक्त मैं हर चीज तोड़ देती हूँ फोड़ देती हूँ सब कुछ तबाह नेस्त तो नबूद, पूछा था और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल विद इन अ फ्यू मिनट्स में, क्या खा रहे हो मेरे बाल खा रहे हो पैसे की परवाह नहीं करती, एहसास वो होता है किसी गरीब को देखेगी तो उसका बहुत मतलब उसके बारे में बहुत ये होगा कि भाई मैं इसको दे और घर में सबका ख्याल रखती है, इसको सबका ख्याल होता है, जैसे मैं नॉन वेज नहीं खाती ना तो ये मेरे तो ये मेरे लिए दो हांडियां बनाती है, एक वेजिटेबल और एक दूसरी जो होती है घर वालों के लिए नॉन वेज, ये भी सब खाना शाबाशी और भूल गई थी, जब भी मेरी कोई खाने की चीज आती है और घर में कोई मेहमान आता है उसको बैठ बैठ के बताएगी आज इसके पास ये है यार वो चिप्स तो ले आओ यार वो चॉकलेट भी तो बढ़िया वो मिले यार वो बिस्किट भी तो यार इसकी आदत है ये हर चीज सारी चीजें लोगों को खिला देते मेरी सारी जमा मुझे लोगों को खिला। अच्छा मैं बता दूं, और फरीन पता क्या करती है, फरीन ना मतलब कोई भी इसको ना नजर आए ना जो इससे हेल्प मांगे, इवन के एक दफा इसके मेरे जैज कैश इसके पास एक्टिव था तो इसलिए ना इसके बाद ना एक बंदे की कॉल आई थी, उसने बोला कि ना भाई मेरे ना 25
अपना पिन कोड भी उसको दे दिया जैस कैश का, और मुझे इतना बेवकूफ बनाया उससे कहा, और इतनी दफा शॉप्स पे इसने चक्कर लगाया कि जस्ट के उसके पैसे उसको रिटर्न कर दे, और इसको बेवकूफ को ये नहीं पता कि अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं था ऐसा सी। और इवन के जैस कैश वालों ने फिर फरहीन को समझाइए और उस बंदे ने हर फोन करके इतना भी बताया कि मैंने आपका पिन कोड ले लिया, आप पिछवाड़े से सोच के सिंपल इज दैट पैसे निकाल लिए हैं और आपका पिन कोड अब ये रख दिया, और ये इतनी जगह फंसी है, इतनी जगह फंसी है, और इसको निकालना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये फंस जाती है। इतने लोग इसको फंसा लेते हैं आराम से बिल्कुल, यानी कि कभी कोई कहेगा मेरे तुम्हारे पास मेरे पैसे आ गए, इसने अपना व्हाट्सएप हैक करवा दिया, इसने अपना जैस कैश अकाउंट हैक करवा दिया, वो भी 3 times इसने अपना व्हाट्सएप हैक करवाया, व्हाट्सएप 2 times 3 times व्हाट्सएप अपना OTP दूसरों को दे देती थी कि यार ये लो इसके बारे में। बच्चे ने मुझे फोन करके कहा कि आपके पास एक कोड आया है, मैंने उसको अपना कोड दे दिया, मेरा व्हाट्सएप हैक कर दिया, मेरा 2-3 times हैक हो चुका। ये इसलिए मैंने इसलिए डाला यार, ये इतनी कोई मतलब फजूल औरत है, लोगों की बातों में बहुत इसके अंदर बिल्कुल चलाकी नहीं है, इसलिए अब्बा जी भी इसको बाहर नहीं जाने देते, इसी मौके पे तेरे मुंह पे चढ़ेगा ये चीज। अच्छा अच्छी बात है तो बताओ, अच्छी बात है, बुरी तो मेरी अच्छी अच्छी बस ये है कि ये मतलब ये अच्छी बात है इसकी, लेकिन ये फंस जाती है अच्छाई करते करते, और इतना बुरा फंस जाती है कि मतलब इसके पीछे कभी कभी मैं जाते हुए डरती हूँ कहीं मैं भी ना फंस जाऊँ इसकी वजह से। मुझे देख रखने बोर्ड। अच्छा मेरी बुरी बात भी तो ना, बुरी बात ये बुरी बात है और अच्छी बात है आपकी मिक्स है। हाँ ये तो बस एक बात था, ये झूठ और बात है और बुरी बात पूरी बात फरहीन ना लिक्चर हो जाती है मोबाइल यूज करते हुए। नहीं मैं कभी-कभी मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, तो मैं मूड स्विंग्स तो इसको बहुत होती है भाई, बहुत होती है। अभी कोई और मूड है, 2 मिनट बाद कोई और मूड है, फिर 5 मिनट के बाद कोई और मूड है। मूड स्विंग्स में तो आप चलती हो आपके मुंह पे थप्पड़ लगे एक ही जगह। और कुछ मैंने बता दिया, तुमने आनी पड़ी। और बताओ मेरी जिंदगी ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश तेरी जिंदगी ख्वाहिश अमीर होना। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश मेरे बाल लंबे हो जाए। हाँ, ये मुझे पता थी, ये मुझे पता थी, मेरे अब्बा जी ने मेरे बालों के ऊपर इतने जतन किए। वैसे तो हम ये चैलेंज खेलते रहे, बहुत ही लंबा चैलेंज है, लेकिन मसला ये हो जाएगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए रुक जा तू, वैसे जितना रंगी गई है ना चिट्टियों की लेकिन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जीता कौन है? मैं जीत गई हूँ जी, नहीं मैं जीत, इसके साथ 2 गंदे बताए मेरे पास और मेरे अच्छाई और बुराई भी गलत। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि फहमीन ने, नहीं आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन जीता। चले मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे बताना है, मैं जीती हूँ जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? एक तो लगवा ले मुंह पे थोड़ा सा छापा, मैंने ऐसे से करा।